हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज हम लोग झारखंड का वोटर कार्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट से हो, आपका सेम प्रोसेस है, बट मैं आप लोग को झारखंड का करके बताऊंगा, ठीक है? तो आपको वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। एकदम न्यू वेबसाइट है, पुराना वेबसाइट टोटल बंद हो चुका है। इस वेबसाइट में आप टोटल किस तरह से आ सकते हो, सिंपली गूगल पे आप लोग को NVSP लिख देना, ठीक है? NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, और इसको इंटर कर देना। आते ही पहला साइड आएगा, आपको क्लिक कर देना। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोगों को सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करना आप लोगों, ठीक है? जैसे इस तरह का इंटरफेस आप लोग दिखेगा, आपको फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए, नया अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ दिखेगा साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन। तो आपको सिंपली साइन अप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले आप लोग यदि फर्स्ट टाइम आओगे तो आप लोग को साइन अप करना है, ठीक है? जैसे साइन अप करोगे, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये कैप्चा देने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप लॉग इन करने की कोशिश करोगे तो मेरा देख रहे हो यूजर ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है, ठीक है? तो ये ऑप्शन क्यों दिखता है यूजर ऑलरेडी एग्जिट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पुराना वेबसाइट जो पुराना नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल था उसमें मेरा आईडी बना हुआ था, इसलिए मेरा इस तरह दिख रहा। आपको सिंपली साइन अप वाला ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ कैप्चा देखिए कंटिन्यू वाला ऑप्शन जाना है, उसमें OTP जाएगा। फिर आपको कुछ नाम लिखने बोलेगा, आप लोग नाम लिख दोगे अपना। इसके बाद मेल आईडी और पासवर्ड बनाने बोलेगा, ठीक है? आप लोग सिंपली पासवर्ड बना के आप लोग साइन अप कर सकते हो। पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना है वो बता देता हूँ मैं। पासवर्ड आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? समझ लो कि आपका नाम दीपक है, तो पहला अक्षर आप कैपिटल रख देना, ठीक है? दीपक है 123@, इस तरह से आप लोग बना देना। इस तरह से आप लोग का पासवर्ड बन जाएगा। पहला आप लोग का कैपिटल होगा, फिर क्या होता है लोअर केस होगा, फिर नंबर न्यूमेरिकल। आप लोग को इस तरह का पैटर्न से आप लोग पासवर्ड बनाना है। कम से कम 8 डिजिट होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डिजिट होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग पासवर्ड बना सकते हो। आप जैसे ही साइन अप हो जाओगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप है, इसलिए नहीं आपको दिखा पा रहा पूरा प्रोसेस, आप लोग कर लेना। जैसे साइन अप कर जाओगे, इसके बाद आपको सिंपली इस लॉगिन पेज पर फिर से आ जाना। लॉगिन पेज पर आने के बाद सिंपली आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जो नंबर से आपने मतलब आप आईडी बनाया, वो आईडी का मतलब मोबाइल नंबर या IP नंबर तो अभी आएगा नहीं, तो आप मोबाइल नंबर आप लोग लिखोगे, ठीक है? इसके बाद जो पासवर्ड आप लोग बनाए, वो पासवर्ड लिख के, ये कैप्चा लिख के आपको सिंपली रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है? इसके बाद सिंपली आप रिक्वेस्ट OTP पे जाओगे तो आपके फोन पे एक OTP जाएगा, ठीक है? वो OTP लिख के आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ठीक है? और इस वेबसाइट में जब आओगे तो आपको कैप्चा लिखने में बहुत कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप 2-3 बार ट्राई मारोगे आप लोग का हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा यदि लॉगिन नहीं होता तो आप लोग थोड़ी देर बाद कोशिश करना, या सुबह सुबह ट्राई करना, या शाम शाम ट्राई करना, मतलब रात को ट्राई करना 10 बजे के बाद, तो ये इजिली एकदम वेबसाइट चलेगा। कि सुबह सुबह थोड़ा 10-12 बजे के करीब डिस्टर्ब करता है साइट, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? सिंपली आपको OTP लिख के आपको वेरीफाई एंड लॉगिन कर देना, ठीक है? जैसे आप लॉगिन कर दोगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने नजर आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लॉगिन हुआ कि नहीं? सर, पहले भी तो इसी तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे आप लोग को आप लोगों का जो नाम से आप आईडी बनाए, यहाँ पे आप लोग को ऊपर में देखने को मिल जाएगा आपका नाम। यहाँ पे आपको लॉग आउट, यहाँ पे आके प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? सिंपली मुझे आप क्या करना है, हमको न्यू अप्लाई करना है वोटर कार्ड, ठीक है? यहाँ पे फॉर्म इन डिफॉल्ट में जाओगे, व्यू फॉर्म, तो टोटल आप लोग का फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है? आपको टोटल आप लोग यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आओगे, टोटल जितना चीज चल रहा है अभी, जैसे कि फॉर्म 6 मेरा न्यू वोटर के लिए, यहाँ पे आपके देखो करेक्शन आप लोग देख सकते हो, फॉर्म 6 भी टोटल आके देख सकते हो क्या क्या आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो सिंपली मुझे क्या करना है, नया अप्लाई करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या करेक्शन भी अप्लाई करके बता दूंगा किस तरह से आप लोग करेक्शन कर सकते हो। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, नया वोटर का अप्लाई करना, सिंपली फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से आप लोग आ जाएगा इंटरफेस, आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना, आपका टोटल स्टेट आप लोग देखने मिल जाएगा। जिस स्टेट से हो सेम प्रोसेस होगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं आप लोग झारखंड का अप्लाई करके बताऊंगा, सिंपली झारखंड यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? देखो इस तरह से लोड होगा। इसके बाद आप लोग का डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद आप लोग का विधानसभा क्षेत्र आप लोग को पता कर लेना, आप लोग विधानसभा असेंबली कौन सा है, ठीक है? अपने मुताबिक पता कर लेना, ठीक है? ये हमारे केस में जामताड़ा है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब टोटल ये चीज सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन आप लोग को मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हो, आप लोग का फर्स्ट नेम आप लोग को लिखना है, या इंग्लिश में यहाँ आप लोग का ये सर नेम लिखना है, या फर्स्ट नेम लिखना है, या सर नेम लिखना है। नीचे आप लोग का ऑटोमेटिक हिंदी, या आप यदि बंगाल से करते हो तो बंगला देखने को मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग को फोटो अपलोड करना है, फोटो अपलोड आप लोग 2 MB से कम होता है, आप सिंपली काट लोगे तो भी आप लोग 2 MB तक नहीं जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और मैं एक सैम्पल डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को एकदम सही सही डाटा सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैं आप लोग बताने के लिए एकदम क्लिक कर रहा हूँ, एकदम रोहित इस तरह से आप लोग, लेकिन समझ लो सिंह इस तरह से। अब देखो बाई चांस आपके केस में, ये देखो नाम मेरा रोहित सिंह, बाई चांस आपके केस में यदि आप लोग हिंदी कुछ गलत हो जाता है, आप सिंपली यहाँ पे आओगे, यहाँ से अपने मुताबिक इस तरह से खोज के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? यदि इससे भी लिखने का दिक्कत होता है तो आप लोग सिंपली गूगल इनपुट टूल एक होता है, उसको भी इंस्टॉल करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग नाम लिख देना, यहाँ पे आप लोग सर नेम लिख देना, यहाँ पे हिंदी चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल में आप लोग फोटो अपलोड कर देना 2 MB से कम, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली जहाँ भी फोटो रखे होंगे वहाँ पे आप लोग चल जाना है। सिंपली इस तरह से अपलोड करोगे, इस तरह का आप लोग इंटरफेस नजर आएगा, आपको सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे फोटो अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट वाला बटन आप लोग को शो हो जाएगा, आप लोग सिंपली यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट कर दोगे। देखो हम जैसे जैसे भर रहे, देख पा रहे साइड में भरते जा मेरा 2 हो चुका है, हम लोग तीसरा स्टेप में है, रिलेटिव डिटेल्स में हम लोग है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये भी देख सकते हो मैंने कौन सा स्टेप है। अब सिंपली यहाँ पे आप लोग नेम ऑफ किसी रिलेटिव का दे सकते हो, सिंपली मैं फादर सेलेक्ट करूंगा, यदि कोई लेडीज है तो वो अपना हस्बैंड का दे सकता है, ठीक है। बाई चांस किसी का फादर नहीं तो मदर भी दे सकता है, सिंपली मैं अपना फादर दूंगा, ठीक है। सिंपली इस तरह से आप लोग फिर से हिंदी चेक करना कि मेरे केस में सही है, आपको सिंपली यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट तो कर लेना है। इसके बाद एक चीज आप लोग का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग का ओटीपी जाएगा, ठीक है। अपना सेल्फ या रिलेटेड किसी यदि और होगा, आपको सिंपली सेल्फ करके सिंपली मोबाइल नंबर लिख के सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आप लोग का ओटीपी चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखें, देखो यहाँ पे जो ओटीपी वाला सेक्शन देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे यदि मैं ओटीपी वेरीफाई नहीं करूंगा फिर से देखो फिर भी ये नेक्स्ट हो जा रहा, लेकिन देख पा रहे हो आप लोग नेक्स्ट हो गया ना। लेकिन आपको क्या करना है, ओटीपी वेरीफाई करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि आप लोग का मोबाइल नंबर उसी से अटैच हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख के सेंड ओटीपी लिख के यहाँ पे आप लोग ओटीपी क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाइड दिख जाएगा, आप लोग को ओटीपी वेरीफाई करना ही है। नहीं तो आप लोग का क्या होगा, वो आपका वोटर के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, फिर आपको डाउनलोड या कुछ भी करने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो ये चीज का ध्यान रखे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के सेंड ओटीपी लिख के यहाँ पे ओटीपी आके यहाँ पे सिंपली वेरीफाई करोगे, वेरीफाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद जब देखोगे वेरीफाइड का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट करना है। क्योंकि मैं सिंपल के तौर पर बता रहा हूँ इसलिए आप लोग सिंपली नेक्स्ट जाके आपको आगे बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आधार नंबर लिख के, देख पा रहे हो यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ आधार नंबर आपको देना ही है क्योंकि वो आधार से लिंक हो जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, तो सैंपल डाटा मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिंपली नेक्स्ट चल जाओ, क्योंकि ये नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल क्या हो, सिंपली इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग का कौन सा ईयर है एकदम सही सही देख के आप लोग क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ डाल रहे हो, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो आप लोग बर्थ आधार पैन जो आप लोग का है आप लोग सही सही अपलोड कर देना। एक चीज का ध्यान रखें, यदि आप लोग मिसमैच कोई नाम पे है तो आधार में सही है तो आपको आधार ही डाले, यदि बाई चांस आप लोग आधार में कुछ अलग है, बर्थ में अलग है, तो वो केस में आप लोग अलग चीज ना डाले। यदि आप लोग सब चीज में यदि सेम है तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, मतलब बर्थ भी डाल सकते हो या पैन कार्ड भी डाल सकते हो, पैन कार्ड तो हाँ पैन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी डाल सकते हो बर्थ प्रूफ के लिए। बाई चांस आप लोग का मिस मैच है, सिर्फ आधार में सही है या 10 का मार्कशीट में सही है, तो आपको सिंपली मार्कशीट लेके आगे बढ़ जाना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके अलावा इनमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको लिख भी सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास है, मेरे पास आधार है आप लोग का, दोनों दोनों केस में, मतलब आप लोग एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस मतलब आधार से ही आप लोग का टोटल वोटर कार्ड बन जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना है, 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। जेपीजी पीडीएफ कुछ भी अपलोड कर सकते हो, सिंपली जेपीजी कर लेना, ये सिंपली अपलोड हो जाएगा। मैं आप लोग सैंपल के तौर पर कुछ भी अपलोड करके बता रहा हूँ, आप लोग सिंपली अपलोड करना है, ठीक है। जैसे देखो मैंने अपलोड यहाँ हो गया, इस तरह से देखिए, यहाँ से देखना चाहते हो कि सही चीज अपलोड हुआ कि नहीं, यहाँ क्लिक करोगे तो पेपर यहाँ डाउनलोड हो चुका है, ये भी आप लोग करके देख सकते हो। अब सिंपली करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली एड्रेस से लिखना है, एड्रेस आप लोग ध्यानपूर्वक लिखना है। और एड्रेस लिखने टाइम बहुत कोई क्या होता है, डाउट होता है कि जैसे कि मेरा सर ये हाउस नंबर है तो क्या मुझे मेरा हाउस नंबर है नहीं है तो मैं कैसे लिखूँ। आपको सिंपली पूरा एड्रेस लिखना है, वो नहीं देखना कि वो हाउस नंबर है क्या है, क्यों, क्योंकि पूरा एड्रेस अभी ऐसे ही आता है, पहले जो ऐसे आता था कि ग्राम ग्राम ये जगह है, पोस्ट ये जगह है, ऐसा नहीं आएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पूरा लिखा आएगा, ये एड्रेस है, ऐसा कुछ नहीं आता अभी कि आप लोग का हाउस नंबर ये लिखा हुआ। तो यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जब आप लिखोगे हाउस नंबर 25 तो ही आप लोग का एच नंबर आएगा। यदि बाई चांस आप सिंपली 25 लिखते हो तो आपका डायरेक्टली ऑटोमेटिक लिखा उठेगा आपका 25 इतना इतना एड्रेस, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा तो यदि आप लोग गलत हो आप लोग को चेंज कर लेना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बता रहा हूँ, सिंपली समझ लो केमी रोड कर देता हूँ मैं ऐसे ही। मैं सिंपली एक डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को देखो यदि आप लोग हिंदी गलत है तो आप लोग सही कर लेना, यहाँ पिन कोड लिख लेना अपना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का तहसील देख पा रहे हो, तहसील आप लोग पता कर लेना, जो आप लोग विधानसभा क्षेत्र होगा वही आप लोग का तहसील होगा, एक चीज़ का याद रखना आप लोग को, ठीक है। यहाँ आप लोग सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे जो आप लोग एड्रेस लिखे हैं या आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम टू सेम वही एड्रेस लिखना आप लोग, ठीक है। यदि आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो, यदि कुछ और आप लोग का एड्रेस है तो आप वही उसी हिसाब से आप लोग प्रूफ अपलोड कर लेना। जैसे मैं आधार की केस में, दोनों ही केस में आप लोग आधार कार्ड देकर आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब सिंपली मैं सैंपल डाटा के तौर पर अपलोड कर दूंगा, इसका जैसे अपलोड करोगे सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे आ जाओगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग को विकलांगता बताना है, सिंपली यदि होंगे तो आप लोग करना है, यहाँ टिक मार दोगे हो जाएगा। यदि आप लोग का नहीं है तो सिंपली आप लोग नेक्स्ट कर दोगे, यदि आप लोग का होगा तो आप लोग सर्टिफिकेट भी देना हो सकता है, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग नहीं है तो सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके यदि होगा तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो ये ऑप्शन बहुत ही
अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, समझना इसको बहुत जरूरी है। अब फैमिली में समझ लो कि आपका शादी हो चुका है, लेडीज का बता रहे हैं कि उनका शादी हो चुका है, मतलब लेडीज का, और वो मतलब कहीं से बना रहे हैं, तो उनका फैमिली में मतलब किसी का भी बना रहे हो, तो फैमिली का यदि किसी का वोटर कार्ड है तो उनका वोटर कार्ड नाम लिख देना, रिलेशनशिप आपका क्या है और उसका वोटर नंबर लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा चीज़ होगा कि आपका जो भाग नंबर आप लोग का वोटर कार्ड में जहाँ आप वोट देने जाते हो वही जगह में आपको भी मिल जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग का बाई चांस है तो आप लोग दोगे यार, मैंडेटरी ऐसे नहीं है, बाई चांस यदि आप लोग का नहीं है तो आप लोग सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आप लोग का हो तो आप लोग जरूर दे, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब सिंपली इतना चीज़ करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना, यहाँ पे आप लोग का विलेज लिख देना है, कुछ भी आप लोग लिख देना, समझ लो जो आप लोग का विलेज है, ठीक है, हम कुछ भी बता रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं लिखना है, जो आप लोग का मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा। अब सिंपली यहाँ पे स्टेट फिर से सेलेक्ट कर लेना आप लोग का, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिर से सेलेक्ट कर लेना है। अब सिंपली यहाँ पे डेट में मंथ लिख कर देना कि आप लोग मंथ 8 में कर रहे हैं। अब सिंपली देख पा रहे टोटल डाटा यहाँ पे देख पा रहे सही हो चुका मेरा। अब सिंपली यहाँ पे फिर से मैं प्लेस लिख देता हूँ, ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे आ जाना फिर से नेक्स्ट में, देख पा रहे मेरा टोटल चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग ये कैप्चा लिखना है, देख पा रहे हो आप लोग। अब सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन आप लोग दिखेगा, सिंपली आप लोग प्रीव्यू करोगे इस तरह से, कैप्चा भी आप लोग गलत दिख सकता है, ये बहुत गजब गजब कैप्चा देता है, एक चीज़ का ध्यान रखना। अब सिंपली आप लोग को प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना कैप्चा लिखने, जैसे आप करोगे सिंपली आप लोग को एक डाटा मिला लेना है एक बार कि मैंने सही चीज़ लिखा है कि नहीं, ठीक है, मैं तो एकदम एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अब सिंपली आप लोग को टोटल देखने के बाद आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, देखते हैं मैं सबमिट करके मेरा गलत डाटा किए अपलोड हो रहा, देख पा रहे हो अपलोड भी हो चुका, मेरे केस में भी अपलोड हो चुका है। सिंपली आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे रेफरेंस नंबर एक जनरेट होगा, आपको ये देखो ये नंबर आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आप लोग को लिख के रख लेना, इसके बाद आप लोग जैसे डाउनलोड अकाउंट करोगे तो आप लोग उसमें भी आप लोग टोटल डिटेल आप लोग क्या क्या भरे रहेंगे और ये नंबर भी आप लोग नीचे नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको संभाल के रख लेना क्योंकि आगे का प्रोसेस सब इसी से होगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, तो ये नंबर आप लोगों को सही से रख लेना है। अब सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रख लेना आप लोगों को, क्योंकि जब ये बनेगा 10 दिन या 15 दिन, कभी कभी एक महीना भी लग जाता है, कभी कभी 10 दिन में बन जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ही बन जाएगा तो आपको चेक किस तरह से करना है वो भी मैं बता देता हूँ, सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, अब ये साइड में आके मैं बताता हूँ किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे नेशनल वोटर सर्विस क्लिक करेंगे हम, फिर से ये साइड में आएंगे हम लोग, देखो ये लॉगिन, देखो चेक करने के लिए भी एक चीज़ का ध्यान रखना, लॉगिन आप लोग का आईडी लॉगिन होना चाहिए, सिंपली यहीं पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आप लोग ट्रैक एप्लीकेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे जो आप लोग का रेफरेंस आईडी है, उसके बाद आप लोग स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, स्टेट सेलेक्ट जैसे ही करोगे यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप लोग सबमिट कर लेना, ठीक है। जैसे सबमिट करोगे देखो इस तरह से आप लोग देख में जाएगा कि मैंने अभी सबमिट किया, देख पा रहे हो अभी 29/7/23 को मेरा सबमिटेड हुआ है, आप लोग को यहाँ पर टोटल दिख जाएगा, आप लोग क्या नाम दिए, फॉर्म 6 है, ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब मैं बाई चांस आप लोगों को एक जो है किसी का बना हुआ वो भी मैं आप लोग को शो करके दिखा देता हूँ, जब बन जाएगा तो किस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। देख पा रहे हो एक मैं बंदे का एक नया रेफरेंस नंबर मैंने देखे आप लोगों को चेक किया, जिनका बन जाएगा किस तरह से इंटरफेस आप लोग देखने को मिलेगा, सिंपली देख पा रहे हो वो सबमिटेड किया था 26/6/2023 को, BLO के पास पहुंचा, आप लोग का देख पा रहे हो आप लोग कितना तारीख दिख रहा है 1/7/2023 को, यहाँ पे फील्ड वेरीफाई हुआ, इसका एक्सपेक्ट हुआ, ईपिक जनरेट आप लोग का कब हो चुका है, देख पा रहे हो, कहने का मतलब ये डेट और ये डेट आप लोग मिला सकते हो, यहाँ 6 मतलब 26/6 को ये मतलब किया था, समझ देख पा रहे हो, और मेरा लास्ट स्टेप कब किया था देख पा रहे हो 9/8, मतलब 2 महीना के करीब लग चुका है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत पुराना, जब नया नया ये साइड आया था तब तो अप्लाई किया था, इसलिए इतना टाइम लगा है, आप लोग को इतना टाइम नहीं लगेगा, सिंपली आप लोग करोगे आप लोग को 15 दिन तक हो जाना चाहिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया एक एक चीज़। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग डाउनलोड किस तरह से कर सकते हो, ठीक है, सिंपली आप लोग देखो जब आप लोग डाउनलोड किस तरह से करना, जहाँ पे ईपिक नंबर आप लोग जो जनरेट होगा सिंपली वो ईपिक नंबर आप लोग को लिख के रख लेना, ईपिक नंबर आप लोग क्या कर लेना है लिख के रख लेना, सिंपली लिख के रख लोगे, इसके बाद आपको कहाँ पे आना फिर से मैं बताता हूँ, आपको फिर से इस पेज पे आ जाना है, आपको यहाँ लॉगिन वाला सिस्टम में आपको देख लेना कि आपका लॉगिन है कि नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ईपिक डाउनलोड, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ईपिक नंबर अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, जैसे सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग का देखने को मिल जाएगा आप लोग का कौन सा मोबाइल नंबर आपने दिए थे, उसमें OTP जाएगा, वो OTP क्लिक करके वेरीफाई करोगे, आप लोग का वोटर कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि आप लोग को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा, और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का करेक्शन करके बताऊंगा, ठीक है, क्या करेक्शन, यदि आप लोग को कोई डाउट है कि मुझे ये करेक्शन बताइए तो मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं तो एड्रेस ही बताऊंगा, ठीक है, यदि हो सके मैं एक ही प्रोसेस है मैं आप लोगों को बता दूंगा, कि आप लोगों को किसी को डाउट है कि मैं ये किस तरह से करेक्शन कर सकता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट्स करें, मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।